कोरोना काल में भले ही शिक्षा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ हो और मजबूरन विद्यार्थियों को आधी अधूरी परीक्षाओं के साथ अगली कक्षा में प्रमोट करना पड़ा, इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग ने कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू को अवसर के रूप में स्वीकारा। विभाग में प्रोफेसर शशिकांत शर्मा के मुताबिक कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले ही विभाग ने कुछ पाठ्यक्रम रीडिजाइन किए थे। इनमें ऑनलाइन जर्नलिज्म, मोबाइल जर्नलिज्म और सोशल मीडिया से जुड़े नए पाठ्यक्रम शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहे और ये कहा जा सकता है कि भविष्य की पत्रकारिता इन्हीं पाठ्यक्रमों पर आधारित होगी। कोविड 19 की सिचुएशन से पहले ही हमने कुछ कोर्सेज रीडिजाइन किए थे और उसमें ऑनलाइन जर्नलिज्म और मोबाइल जर्नलिज्म और सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ नए कोर्सेज और कुछ नया सिलेबस हमने उसमें इंक्लूड किया था, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहा। और इस दौरान ऑनलाइन जर्नलिज्म की जब क्लासेस चली तो उस दौरान वो पढ़ाना भी इजी रहा और उसकी प्रैक्टिस भी उन्हें बहुत ज्यादा हुई। तो मुझे लगता है फ्यूचर जर्नलिज्म यही है, आने वाले समय में ये जो कोर्सेज हमने करवाए हैं इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा बच्चे उठा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के अध्यक्ष व प्रोफेसर विकास डोगरा का कहना है कि कोरोना काल न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है और इस समय शिक्षा देने के तौर तरीकों को बदलना तथा नए प्रारूप में ढलने की बड़ी जिम्मेवारी विभाग पर थी, जिसे विभाग ने विश्वविद्यालय के मौजूदा नेतृत्व के सहयोग से सफलतापूर्वक अपनाया है। कोविड लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे लिए नहीं बल्कि जैसे सबको पता है पूरी दुनिया के लिए। और इस टाइम में एजुकेशन को अडेप्ट करना, अपने तरीकों को बदलना, सडनली जब हमारे ऊपर ये पड़ा तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही इसके अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत जल्दी इसके लिए अडेप्ट किया पूरी यूनिवर्सिटी ने, और हमारे डिपार्टमेंट ने भी उसके अंदर बहुत सराहनीय काम किया है। हमारे सभी टीचर्स ने, हमारे सभी स्टूडेंट्स ने भी बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स और ऑनलाइन स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ जिनको हम इंगेज कर पाए इस दौरान पूरे देश से, उससे हम सबको बहुत फायदा हुआ, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ। प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग ने इस दौरान जहां 27 मार्च से ही ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ कर दी थीं, वहीं 21 से 23 अप्रैल तक सोशल मीडिया वर्कशॉप, 24 अप्रैल को पब्लिक रिलेशन पर वेबिनार, 15 जुलाई को पीआईबी के सहयोग से कोविड काल में सरकार की सूचना रणनीति पर वेबिनार, 11 मई को फैक्ट चेकिंग पर वेबिनार, फिल्म मेकिंग, समाचार की भाषा और डाटा को पढ़ने जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। इन वेबिनार और कार्यशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया विशेषज्ञ सुरेंद्र दलेटा, शशि सिंह, प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव, डॉक्टर कमलजीत सिंह, डॉक्टर कमाइनी बिस्ट जैसे विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। तारिक रात्र, DD News, शिमला।